जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए उर्दू के वैसे सवालात जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारे सवाल को आप लोग देख लेते हैं, बहुत ही कम चांस है कि इससे बाहर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करेंगे। उनके अलावा बिहार शिक्षक यानी सक्षमता के अलावा अगर बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया या फिर जिनको भी उर्दू ग्रामर की जरूरत है, कमजोरी है, आप लोग भी इस क्लास को बिला झिझक कर सकते हैं। जैसे क्लास 10th 12th वगैरह हो गया, उन लोग भी कर सकते हैं। स्पेशली ये क्लास यहाँ पे आप लोग देख लें, बिहार उर्दू सक्षमता के लिए। बस आप लोगों के लिए हम मात्र 100+ सवालात को लेकर के आए हैं। सारे के सारे उर्दू ग्रामर से हैं, और इतना सवालात को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, तो उम्मीद कम रखिए कि इससे बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन आए। ठीक है, आप लोगों को कंप्लीटली नोट्स पीडीएफ दिया जाता है। जो बच्चे सक्षमता के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सारे पीडीएफ को अगर आप लोग प्रोवाइड कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। जो लोग यहां से पिछली मरतबा जो सक्षमता की परीक्षा हुई थी उसका क्लास तक जो लोग कर लिए, उनसे जाकर के पूछिए यहाँ के बारे में कि आप लोगों को इस चैनल से पढ़ के कितना फायदा हुआ। सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिला सभी बच्चों को। ठीक है, तो लीजिए, मैं नंबर आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, आप लोग नंबर ले लीजिए या फिर यहाँ पे नंबर भी चल रहा है। ठीक है, 9508214760, आप लोगों को डायरेक्ट नंबर भी दिख रहा है। अगर आप लोगों को नंबर डायरेक्ट से लेना हो तो हम आप लोगों को डायरेक्ट भी नंबर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नंबर आप लोग 9508214760। ठीक है, 9508214760 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है। जैसे चाहे आप लोग वैसे कर सकते हैं, चाहे आप लोग कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे हमसे राबता कर लेंगे, ताकि आप लोगों को क्लास करनी होगी या फिर पीडीएफ नोट्स का जरूरत है आप लोग ले लेंगे, तो यहाँ से आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए फिर आज की क्लास को हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सबके सब आप लोगों का उर्दू ग्रामर रहेगा, क्योंकि उर्दू ग्रामर से ही सारा क्वेश्चन आपका उर्दू सक्षमता में पूछा जाता है। ठीक है, देखेंगे आप लोग, सवाल नंबर एक आपके पास है। सवाल नंबर एक क्या है, कवायद के कितने हिस्से हैं, यानी शुरुआत जो होता है ना उर्दू ग्रामर का, तो वो कवायद से ही होता है और कवायद के बारे में बताया जा रहा है। कवायद को अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, हिस्सा में तकसीम किया गया है। तो टोटल कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 और ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इल्मे नहू, इल्मे उरूज, इल्मे बलागत, इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, ये सब के सब पांचों किस्म, पांचों अकसाम उर्दू कवायद का है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके पास, सवाल नंबर दो, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सवाल नंबर दो है आपके पास, हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद है। हुरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं उसको पहले समझते हैं। तो हुरूफ एक होता है मुफरद, एक होता है मुरक्कब। हुरूफ मुफरद जो अकेला अलिफ बे ते से, ये सब अकेला है ना, यानी अकेला माना देता है, उसको हुरूफ मुफरद कहते हैं। जब आपका दो हुरूफ मिलकर के माना देगा वो हुरूफ मुरक्कब होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक लफ्ज बे हो गया, एक लफ्ज आपका हे हो गया। ठीक है, दोनों को एक जगह मिला दिए बेमह लगाने से, ये आपका हरफ हो गया भे। ठीक है, तो हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद, ये सब हुरूफ की तादाद टोटल 15 है। अगर हम लोग बात करें हुरूफ तहजी, हुरूफ तहजी को हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं और इसमें हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। उर्दू में टोटल हुरूफ तहजी 52 होता है, किसी किसी किताब में 51 भी होता है। ठीक है, तो उर्दू में टोटल कितना होता है हुरूफ तहजी की तादाद 52, और इंग्लिश में कितना होता है आप लोगों को पता है 26। ठीक है, तो हम लोग पता करते हैं कि 52 कौन कौन सा है। तो 37 है मुफरद आप लोगों का, 37 मुफरद, और 15 क्या है मुरक्कब, 7 और 5 कितना हो गया 12, क्या क्या हो गया 5 और 7 और 5, 12 का 2 हासिल, 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 52 हो गया। किसी किसी किताब में अगर 51 दिखे ना, तो आप लोगों का तादाद यहाँ पे 37 के जगह
36 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर किताबों में आपको 52 दिखेगा, कहीं कहीं अगर 53 दिखेगा, अगर 51 52 ना रहे, 53 रहे तो आप लोगों को मारना होगा 53 में ही, ठीक है। मान लो 51 52 दोनों दिख रहा है तो आपको 52 में ही मारना है। मान लो अगर यहाँ पे 51 53 या फिर 52 हट करके 54 55 दिख रहा है तो आप लोगों को 51 में मारना, ना कि 53 में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर सवाल नंबर 3 आपके पास आता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 है, अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। एक होता है आपका सिफत, एक होता है मौसूफ, ठीक है। सिफत किसको कहते हैं, जिससे आपका विशेषता पता चलता है, विशेषण पता चलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। इंग्लिश में उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। एक होता है सिफत, एक होता है मौसूफ। सिफत किसको कहते हैं, मौसूफ के अंदर का जो भी अच्छाई या फिर बुराई पाया जाए उसको सिफत कहते हैं, और जिसके अंदर पाया जाए वो मौसूफ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो वर्ड है, एक लफ्ज है आपका टोपी, एक लफ्ज है आपका काली, ठीक है। टोपी के अंदर जो है ना ये कालापन पाया गया, टोपी के अंदर क्या पाया गया, टोपी के अंदर कालापन पाया गया, तो टोपी यहाँ पे मौसूफ होगा, क्योंकि टोपी के अंदर पाया गया, इसके अंदर खूबी या खराबी पाया गया, क्या पाया गया, काली, ठीक है। तो काली इसका सिफत हो गया। आपको पूछ रहा है सिफत की निशानदेही कीजिए, तो सिफत आप लोगों का काली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे। कितने लोग गए हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट होगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 4, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सवाल नंबर 4 है, फेल के माना है, फेल के माना क्या होते हैं, काम, नाकाम, फेल, या इनमें से कोई नहीं। तो फेल के माना होते हैं काम, क्या होते हैं, फेल के माना काम होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 5 आपके पास, ध्यान से देखेंगे सब लोग। कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए, उसे क्या कहते हैं, इल्मे हिज्जा हो गया, इल्मे सार्फ, इल्मे बलागत, इल्मे उरूज। तो कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफ के बारे में जानकारी होती है, इल्म हासिल होती है, उसको कहते हैं हम लोग इल्मे हिज्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। टोटल कवायद के 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, उनमें से सबसे उनमें से एक किस्म इल्मे हिज्जा भी है, बाकी भी किस्मों को आप लोग यहाँ से देख लीजिए, इल्मे उरूज, सॉरी इल्मे सर्फ, इल्मे बलागत, इल्मे उरूज, और यहाँ पे जो है ना 5वीं किस्म है इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे बलागत, इल्मे उरूज, इल्मे नह, यहाँ पे जो है ना नह नहीं है, ठीक है, नून है वापस, नह इल्मे नहु यहाँ पे दियाबा नहीं है, बाकी चारों किस्म को आप लोग देख लीजिए एक्स्ट्रा में, ये वाला भी याद कर लीजिए इल्मे नहु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 6, शायर का वह नाम जिसे वह अपने अशआर में, शेर की जमा होती है अशआर, ठीक है, अशआर में इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, करता है उसे क्या कहते हैं, देखिएगा, शायर वैसे नाम को इस्तेमाल करते हैं शेर व शायरी में, तखल्लुस वाला नाम को इस्तेमाल करते हैं शेर व शायरी में, ठीक है। तो तखल्लुस वाला नाम को क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है, शायर का वह नाम जिसे वह अपने अशआर में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। जैसे गालिब जो है ना, ये जो है ना गालिब अपना नाम शेर व शायरी में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला नाम तखल्लुस हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल आपके पास, 7 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे सब लोग। इल्मे उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है, इल्मे उरूज ये आपका कवायद का ही एक किस्म है, और इल्मे उरूज में हम लोगों को जो जानकारी मिलती है ये शेर व शायरी सीखने के लिए मिलता है आप लोगों को। इल्मे उरूज में शेर व शायरी से बहस की जाती है, शेर व शायरी की जानकारी हासिल होती है। आगे देखते हैं अगला सवाल, 8 नंबर पे आपके पास, एराब का, यहाँ पे गैन नहीं होगा, ठीक है, ये नुक्ता मिस्टेक से हो गया है, एराब का लफ्जी माना है, यानी लफ्जी माना इसका क्या होता है, एराब का लफ्जी माना आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए, तो घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफर करना, इनमें से कोई नहीं। तो एराब का लफ्जी माना होता है घोड़े दौड़ाना, क्या होता है, घोड़ा दौड़ाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल 9 नंबर पे, कसरा का मतलब है, तो कसरा का मतलब क्या होता है, एक लकीर लेते हैं जबर, जेर और पेश, पेश को जम्मा कहते हैं और जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं, तो कसरा का मतलब होता है जेर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके पास, 10 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल है, अलिफ ममदूदा, वैसे अलिफ को कहते हैं जो अलिफ
खींच कर पढ़ी जाए, जो अलिफ क्या हो खींच कर पढ़ी जाए। जैसे अब पढ़ते हैं अलिफ को खींचते नहीं है, शाम पढ़ते हैं नहीं खींचते हैं, और आम बोलते हैं नहीं खींचते हैं, लेकिन अलिफ मजबर आजीम साकिन आज यहाँ पे अलिफ जो है ना खींच कर पढ़ी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 11 आपके पास आता है, काफ हुरूफ है हल्की, खनकी, असनानी और शफवी, ठीक है। तो बड़ी काफ से है आपका, काफ हुरूफ जो है ना हुरूफ हल्की है, क्या है हुरूफ हल्की, ये जो है ना हुरूफ आपका हल्क से निकलती है, हल्क ये वाला है, ठीक है। तो हल्क से निकलने वाले हुरूफ को हुरूफ हल्की कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर समझ में ना आए जरूर आप लोग चार्ट के जरिए बता सकते हैं मुझे। सवाल नंबर 12 आता है आपके पास, ज़ैल वाव मारूफ की मिसाल है तूर, और ठीक है तूर है वहां पे, वाव जो है ना खींचकर पढ़ी जा रही है, थोड़ा वाव खींचकर नहीं पढ़ी जा रही है, मोर वाव खींचकर नहीं पढ़ी जा रही है, चौड़ा यहाँ पे भी वाव खींचकर नहीं पढ़ी जा रही है। पता ये चला ये तीनों में नहीं पढ़ी जा रही, तो तीनों तो एक ही कैटेगरी में आ गया, लेकिन तूर, तूर का मतलब होता है पहाड़, कुहे तूर यानी कुहे तूर वैसे उस पहाड़ को कहते हैं जहां से मूसा, हजरत मूसा अलैहि सलाम जो है खड़ा होकर के उसके ऊपर चढ़ करके अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे, वैसे उसी पहाड़ को क्या कहते हैं, तूर कहते हैं। तो तूर का मतलब होता है पहाड़, तो यहाँ पे जो है ना तूर लफ्ज खींचकर पढ़ी जा रही है, तो ये आपका वाव मारूफ हो जाएगा। ये वाला वाव क्या हो जाएगा, वाव मारूफ। वाव मारूफ किसको कहेंगे, जहां पे वाव खींचकर पढ़ी जाए। वाव मजहूल किस वाव को कहेंगे, जहां पे वाव खींच कर ना पढ़ी जाए। जैसे ये सब एग्जाम्पल में हम लोग वाव क्या है, ये सब मजहूल है। और एक होता है वाव मादुला, वाव मादुला जहां पे वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, यानी साइलेंट वाव को वाव मादुला कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखिए आप लोगों के पास सवाल नंबर 13 है, ज़ैल में वाव मादुला की मिसाल है, ऑप्शन है आपके पास खूब, खाब, जवाब, वहां, ठीक है। तो सवाल नंबर 13 का आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ख्वाब, क्योंकि वाव जो है ना यहाँ पे लिखी गई है लेकिन पढ़ी नहीं जा रही, पढ़ी नहीं जा रही है ये वाव, ठीक है। ये वाव आपका वाव मादुला हो जाएगा, लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरह से, इस तरह से पढ़ रहे हैं, ख्वाब पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ख्वाब लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ख्वाब लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको प्रोनंसिएशन में, तलफ्फुज में किस तरह अदायगी करते हैं, ख्वाब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आपके पास 14 नंबर पे, सब लोग ध्यान से देखिएगा, अबजद इदरीसी, ठीक है। अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है, तो अलग अलग जो है ना आपका अलिफ से लेकर या तक सबका अलग अलग तादाद होता है, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 1000, किसी का 20, किसी का 40, तो यानी कि तादाद का मतलब गिनती हुआ। जैसे मान लीजिए मीम ही मान लेते हैं हम लोग, मीम का तादाद, मीम का गिनती जो है ना 40 होता है, कितना होता है, मीम बराबर, यानी मीम लिखें या फिर 40 लिखें, बात बराबर है, ठीक है। यानी मीम बराबर जो काउंट होता है वो आपका 40 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आपके पास 15 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, ज़ैल में हुरूफ मुरक्कब की मिसाल है बे, पे, फे और या। तो पे में है लगाने से क्या होता है, फे होता है। पे में है लगाने से एक लफ्ज हम लोग यहाँ पे लिखे, एक लफ्ज हम लोग यहाँ पे हा लिखे, ठीक है। दोनों को हम लोग एक जगह मिला दिए, पे में लगाने से फे हो गया, क्या हो गया भाई, पे में लगाने से फे। ये वाला लफ्ज यानी हुरूफ, ये वाला हर्फ जो है हुरूफ मुरक्कब है, दो हर्फ मिलकर के एक हर्फ बना है, इसलिए हुरूफ मुरक्कब हो गया। सवाल नंबर 16 आपके पास आता है, आलिम का जिद है इल्म, जाहिल, बे इल्म और तालीम। तो आलिम का उल्टा होता है जाहिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट। अगला सवाल 17 नंबर पे, ज़ैल में मजदर की मिसाल है, मजदर किसको कहते हैं जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, जितने भी ये सब वर्ब है ना उसको उर्दू में हम लोग मजदर कहते हैं। और फारसी में पहचान है मजदर की, दन लास्ट में होता है या फिर तन होता है, जैसे गुफ्तन, खुफ्तन, खानदन, ठीक है, रास्तन, ये सब आपका मजदर फारसी वाला हो गया। और खाना, उठना, बैठना, जाना, पढ़ना, ये सब आपका उर्दू वाला मजदर हो गया। तो ज़ैल में मजदर की मिसाल है, ये आना आपका मजदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 18 नंबर पे, ज़ैल में जमीर की मिसाल है, देखिए तुम, अहमद, खाना, यहाँ। तो ये आपका ज़मीर जो है ना, ज़मीर किसको कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में इसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, यानी
नाउन के बदले में जिसका जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसको प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे संज्ञा को उर्दू में इसमें कहते हैं, इसमें के बदले में जिसका इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। यानी तुम जो है ना, ये आपका सर्वनाम भी है, जमीर भी है और प्रोनाउन भी है। अगला सवाल 19 नंबर पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, 2, 5, 7 या 10। तो इसमें मारफा की टोटल होती है 7 किस्में। कितनी किस्म होती है, 7 किस्मों। उसमें से सबसे पहली किस्म होती है आलम की, और आलम की किस्मों में से लगभग बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपके पास आता है 20 नंबर पे, सब लोग ध्यान से देखेंगे आराम से। 20 नंबर सवाल आपके पास, वह इसमें मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें नकरा, इनमें से कोई नहीं। वह इसमें मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसको हम लोग कहते हैं इसमें इशारा। इस्म का मतलब किसी व्यक्ति के तरफ, किसी संज्ञा के तरफ, किसी चीज के तरफ इशारा किया जाए उसको हम लोग इसमें इशारा कहेंगे। जाहिर सी बात है, इशारा करते हैं, जैसे यह हो गया, वह हो गया, ये सब आपका इसमें इशारा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन, आम के आम, गुठलियों के दाम, जैल में से क्या है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आम के आम, गुठलियों के दाम, ये मुहावरा नहीं होगा। मुहावरा के लास्ट में भी ना होता है, जैसे नाच न जाने, आंगन टेढ़ा वगैरह वगैरह। आप देखिए मिश्रा, जरबुल इमसाल या फिर फोकोरा। तो ये जो है ना, इस तरह का आपको जब भी नजर आए ये आपको लोग जरबुल इमसाल में मारेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों के पास ध्यान से देखेंगे सब लोग। सवाल नंबर 22 है, जैल में मुहावरा की मिसाल है। आपके पास ऑप्शन है, यहाँ आओ, 9, 2, 11 होना, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। हम लोग अभी देखें कि ये जो है ना जैल में मुहावरा की मिसाल, तो नाचना जाने आंगन टेढ़ा, अरे नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तो वो हम लोग उस टाइम में मुहावरा नहीं बताए थे, ये तो जरबुल इमसाल है। ठीक है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ये जो है आपका क्या है, जरबुल इमसाल है। 9, 2, 11 होना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मुहावरा का मिसाल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका ना आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल, करना से इसमें आला क्या होगा, करना से इसमें आला क्या होगा, करनी, किरान, करोनी या फिर कराना। तो करना से इसमें आला होता है आपका करनी, जो कि मिस्त्री लोग इससे इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए काम करते हैं अपना काम को आसान बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, एक तीर से दो शिकार का मानी है। एक तीर से दो शिकार करना, जाहिर सी बात है आप लोग आंसर देखेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एक तीर से दो शिकार करना, तीर एक होना, एक साथ दो काम करना, इनमें से कोई नहीं। तो एक तीर से दो शिकार करना का मतलब होता है एक साथ में दो काम करना। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है आपके पास, देखिएगा, वह नज्म जो तीन तीन मिसरों पर मुश्तमल हो उसे क्या कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है और इससे एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। आप लोग मिस नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन को। वह नज्म जो तीन तीन मिसरों पर मुश्तमल हो उसको कहते हैं हम लोग मुसल्लस। क्या कहते हैं, मुसल्लस। ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कहाँ पे है मुसल्लस, देखिएगा ऑप्शन नजर आ गया आपके पास। ऑप्शन ऑप्शन ए मुहम्मस, रुबाई, खता, मुसल्लस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कतआ में जो है ना टोटल 6 मिसरा होता है और मरसिया में भी 6 मिसरा होता है। रुबाई में आपका 4 मिसरे का होता है, मुखम्मस में 5 मिसरे का होता है। आप सबको, सब जितना भी बताते जा रहा हूँ सब एक तरफ से ध्यान देते जाना है ताकि आप लोगों को सारा जो है ना जितना भी डाउट वगैरह है क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप लोग इस तरह रिस्पॉन्स लेते हैं इस क्लास को करने में तो आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोगों का प्यार देखना है, देखना है कितना आप लोग एक्टिविटी बनाए रखते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में 2, 3, 4 या फिर 5। तो रुबाई में टोटल 4 मिसरे होते हैं। अरबा से आया है आपका रुबाई। ठीक है, और रुबाई में टोटल कितने मिसरे होते हैं भाई,
चार मिस्त्री होते हैं सर, एस उर्दू एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कुछ ही देर में प्रोवाइड करा दूंगा। तो भाई में टोटल ऑप्शन नंबर सी यानी चार मिस्त्री होते हैं, जो बच्चे डाउनलोड करना चाहेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आप लोगों को लाइव के बाद अपडेट करवा देंगे हम लोग लिंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके पास 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नबी की जमा है तो नबी की जमा होती है अंबिया, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 28 नंबर पे देखिएगा, शायर की जमा है मुशायरा, शायरान, शोरा और शेर, तो शायर की जमा होती है शोरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 29 नंबर पे, अब्द का मानी है तो अब्द ऐन बेदाल, अब्द का मानी होता है आपका गुलाम यानी बंदा, ठीक है, गुलाम यानी बंदा अब्द का मानी होता है। अगर यहीं पे हम लोग इस तरह से लिखते अली बेदाल अब्द, तो इस अब्द का मानी होता है हमेशा, क्या होता है, इस अब्द का मानी हमेशा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखिएगा। ज़ैल में इसमें कैफियत की मिसाल है, जहां पे आपको किसी तरह की कैफियत नजर आए, हालात पता चले, वो आपका इसमें कैफियत में होगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं ये रियल में है, जवान है तो जवान ही है, इसका कोई हालात नहीं है, जवान से मुराद जवान ही है। जैसे हम लोग लड़का बोलेंगे, लड़का से मुराद लड़का ही होगा, ठीक है। जैसे हम लोग नौजवान बोलेंगे, नौजवान से मुराद नौजवान ही होगा। लेकिन अगर बोलते हैं जवान का इसमें कैफियत, अगर हम लोग निकालते हैं उसके अंदर का कुछ कैफियत को जाहिर करते हैं, वो आपका जवान से जवानी होता है, तो ये आपका जो है ना इसमें कैफियत जवानी हो जाएगा, ठीक है। और लड़कपन से बचपन से बचपना, इस तरह करके ये सब इसमें कैफियत में आता है, ठीक है। और बूढ़ा से बुढ़ापा, जवानी से जवान से जवानी, ये सब जो है ना इसमें कैफियत में आता है। एक दो क्वेश्चन ही बनेगा यहाँ से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में इसमें मुकब्बर है, इसमें मुकब्बर किसको कहते हैं, तो इसमें ज़ात की किस्मों में से ही एक किस्म है, इसमें मुसक्कर और इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर किसको कहते हैं हम लोग, इसमें मुकब्बर जिससे किसी चीज का बड़ापन जाहिर हो, यानी किसी चीज का बड़ा पता चले, ठीक है, उसको हम लोग अदब की इस्तलाह में, उर्दू कवायद में इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाग लेते हैं, बाग बड़ा वाला बाग को क्या कहते हैं, बाग कहते हैं, छोटा वाला को बागीचा, तो बाग इसमें मुकब्बर हुआ, बागीचा इसमें मुसक्कर हुआ। जैसे हम लोग लेते हैं थाल, बड़ा वाला को क्या कहते हैं, थाल कहते हैं, उसी तरह अगर छोटा वाला जिसमें खाना खाते हैं उसको हम लोग थाली कहते हैं, तो छोटा वाला इसमें मुसक्कर हो गया, बड़ा वाला इसमें मुकब्बर हो गया, ठीक है। ज़ैल में इसमें मुकब्बर है शाहरा, शहशवार, शाहकार, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हैं। ये सब आप लोग नहीं सुने हैं ना, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए, शाहरा, शहशवार, शाहकार, ये सब के सब इसमें मुकब्बर में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल 32 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। ज़ैल में लाहेका वाले लफ्ज की निशानदही कीजिए, लाहेका किसको कहते हैं और साबेका किसको कहते हैं, वो चीज आप लोगों को समझना काफी जरूरी है। देखिए किसी भी वर्ड के शुरू में आकर के अगर मीनिंग को तब्दीली करें उसको हम लोग लाहेका कहते हैं। लाहेका को ही हिंदी में हम लोग उपसर्ग कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग सुफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं लाहेका साबेका को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें हिंदी की तो उपसर्ग कहते हैं और लाहेका को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ते कहते हैं। तो फाइनली आपको पता ही चला कि ज़ैल में लाहेका वाले लफ्ज की निशानदही कीजिए, किसी भी वर्ड को देखिए उसके शुरुआत में आकर के देखिए कौन आकर के माना को तब्दीली करता है। असल में लफ्ज अकल है, मंद आकर के मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, पता चला लास्ट में माना को तब्दीली कर रहा है। यहाँ पे असल लफ्ज जवाब है, इसके शुरू में आकर के माना को तब्दीली कर रहा है। बाकी बंदूक हो गया, ये तो आपका लाहेका है ना ही साबेका है, ये एक वर्ड है। मुश्किल ये भी साबेका है ना ही लाहेका, ये दोनों तो साबेका लाहेका है नहीं, यहाँ पे लाहेका नजर आया है लेकिन यहाँ पे साबेका नजर आया है। जवाब के शुरू में आकर के लाजवाब, जवाब का मीनिंग को तब्दीली कर रहा है। लाजवाब का मतलब हुआ कोई जवाब नहीं है इसका, ठीक है, लामिसाल लाजवाब है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चे दिए हैं ऑप्शन नंबर बी वाले, बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल 33 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 33 है, ज़ैल में इसमें आला है मकान, चाकू, फल या फिर पानी, जिस वर्ड से हथियार का इल्म हो उसको हम लोग इसमें आला की कैटेगरी में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसमें आला कहते हैं। चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, छुरी हो गया, कैंची हो गया, कलम ही हो गया, कलम तराश हो गया, सब के सब इसमें आला में आता है। कहने का मतलब ये हुआ
जिस चीज से हम लोग किसी हथियार का काम करते हैं या फिर काम करने के लिए काम को आसान बनाने के लिए उस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग इसमें आला की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना चाकू, ये आपका इसमें आला में आएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 34 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। जेल में हासिल मजदर कौन है? हासिल मजदर वैसे उसको कहते हैं जहां जो कि आपका मजदर से बनता है, मजदर जैसे आना बैठना खाना जाना लिखना पढ़ना वगैरह ये सब मजदर है, मजदर से हासिल मजदर बनाते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर खेलना हो गया, खेलना जो है ना, खेलना से आपका जो है हासिल मजदर पूछ रखा है ना, तो खेलना से आपका खेल हो गया, खेलना से खेल हो गया, हासिल मजदर खेल, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, 34 नंबर सवाल का हम लोग जवाब को देखिए, खेल होता है। जर में हासिल मजदर कौन है? खेलना से हासिल मजदर खेल होता है। अगला सवाल आता है आपके पास 36 नंबर पे, जर में इसमें मुसग्गर लफ्ज है, इसमें मुसग्गर किसको कहते हैं जिससे छोटापन जाहिर हो? अभी अभी आप लोगों को हम बताएं। ठीक है, देखिएगा बच्चा, असल में ये लफ्ज जो है ना बच्चा ही है, इसका बराबर जाहिर नहीं होता है। किताब, ये भी लफ्ज है एक, इनमें सभी, तो ये आपका जो होगा ना आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किताब चा। किताब जो है ना ये बड़ा वर्ड होता है, बड़ा से इसका छोटा वर्ड बनता है किताब चा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। बाकी ये सब क्या है इसमें, ये तो इसमें मुकब्बर भी नहीं है, ये बच्चा इसमें मुसग्गर में आता है ना ही इसमें मुकब्बर में आता है, किताब इसमें मुकब्बर में है, इसका इसमें मुसग्गर किताब चा है। ठीक है, आगे में देखते हैं हम लोग अगला सवाल आपके पास 36 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। ज़र में मुअन्नस लफ्ज है, मुअन्नस किसको कहते हैं? मुअन्नस को हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं इसी को, और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फीमेल कहते हैं। ठीक है, देखिएगा तपाक, तालाब, तख्त या फिर तादाद, तादाद का मतलब होता है गिनती, तो कितनी तादाद में है हम लोग मुअन्नस के सेंस में इस वर्ड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तादाद वर्ड जो है ना ये आपका मुअन्नस लफ्ज है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगला सवाल 37 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे। ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज है, खराश हो गया, खर्च हो गया, खौफ हो गया और खून हो गया, तो जो है ना अभी ये वर्ड देखते देखते गले में क्या हो रही है, खराश हो रही है, हम लोग इस्तेमाल किए किस में? मुअन्नस के सेंस में, कि गले में खराश हो रही है अभी। ठीक है, तो ये जो है ना आपका खराश क्या हो गया? मुअन्नस लफ्ज हो गया, मुअन्नस का सेंस में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल आपके पास। ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज है, वतन, वसाल, वफा, वरक, यहाँ से एक हम लोगों को क्या आ गया, राष्ट्रगीत याद आ गया, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मैं आप लोगों को कर देता हूँ। ठीक है, पढ़ता हूँ कि वतन वालों वतन ना बेच देना ये धरती, ये गगन ना बेच देना शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। चलो बताना आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप लोगों को ये सुन के। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे कि ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज हैं वतन, वसाल, वफा और वरक, तो ये मुअन्नस लफ्ज जो है ना ये आपका वफा, ठीक है, वफा करनी चाहिए, तो ये मुअन्नस के सेंस में हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो 38 नंबर सवाल का सभी बच्चे बताएंगे एक बार क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलो लगभग सबका ऑप्शन सी ही आया है, वफा बिल्कुल परफेक्ट है, 100% श्योर है आप लोग भी। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास। ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज है, मुज़क्कर किसको कहते हैं जिससे आपका पुरलिंग जात यानी मेल जात का पता चले, वो आपका मुज़क्कर लफ्ज होता है, जैसे हाथ हो गया, हाथी हो गया, हल हो गया, इनमें से सभी, तो ये सब के सब क्या है इसमें मुज़क्कर है। ठीक है, क्या है भाई इसमें मुज़क्कर हो जाएगा सारा का सारा। बट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके पास आता है, ध्यान से देखिएगा आप सब लोग। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, ज़ैल में मुज़क्कर हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सब लोग। इनमें मुज़क्कर लफ्ज है पानी हो गया, निकाह हो गया, मतलब हो गया, और इनमें कोई नहीं, तो इनमें कोई नहीं देकर के यहाँ पे इनमें सभी लिखना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज है, पानी भी मुज़क्कर ही है, निकाह भी मुज़क्कर है और मतलब भी मुज़क्कर है, यानी सब के सब मुज़क्कर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, 41 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज है,
मुजक्कर, तो और मुजक्कर मुअन्नस बार बार बताना भी जरूरी नहीं है, आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। देखिएगा ज़ैल में मुजक्कर लफ्ज है, कतार, कबर, कागज और इनमें सभी। तो कतार क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, किसके सेंस में इस्तेमाल करते हैं कतार को, सब लोग बताइएगा जल्दी जल्दी एक बार, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन। देखिएगा कतार को भी हम लोग मुजक्कर के सेंस में, कतार यानी लाइन, कब्र को भी मुजक्कर के सेंस में, और यहाँ पे कागज जो है ना, कागज पुरानी है, फटी हुई है, तो इस तरह से, सॉरी कागज पुराना है, फटा हुआ है, और क्या कहते हैं कि कागज क्या है कि अच्छा है, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुजक्कर के लफ्ज में, और कतार मुअन्नस के लफ्ज में, कबर भी मुअन्नस के लफ्ज में, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, मुअन्नस है, ये वाला कागज जो है ना आपका मुजक्कर लफ्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम को कहते हैं, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। अगर आप लोग देखना चाहें अपना लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, बात करने वाला मुतकल्लिम, जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं मुतकल्लिम हो गया, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन को हम लोग उर्दू में कहते हैं, क्या कहते हैं, हाजिर कहते हैं, ठीक है, और थर्ड पर्सन को हम लोग उर्दू में गायब कहते हैं। तो हम लोग मुतकल्लिम हो गए, यानी फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, बात करने वाला। देखिएगा वह, ये आपका वह जो है ना, क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन हो रहा है, वह सब भी थर्ड पर्सन में हो रहा है, बाकी हम क्या हो रहा है, मुतकल्लिम, तुम लोग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाजिर हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है ना मुतकल्लिम हो जाएगा, बात करने वाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है, हम बोले या फिर हम लोग बोले। 43 नंबर क्वेश्चन आपके पास, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मानी है, पानी पानी होना मुहावरे का मानी होता है शर्मिंदा होना। ये हम लोग लगभग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 44 नंबर सवाल आपके पास है, ज़ैल में फाइल चुनिए, फाइल किसको कहते हैं, ये आपका जो है ना, फाइल काम करने वाले को कहते हैं, फाइल, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। आप लोग चुनिए, तो कहाँ पे आप लोगों को काम करने वाला नजर आ रहा है, जैसे झगड़ा जो है ना, ये आपका झगड़ा ही है, झगड़ना ये आपका एक मजदर हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे इनमें सभी दे रखा है, लेकिन झगड़ा लोग किसको कहेंगे, जो झगड़ा करने वाला होता है, तो झगड़ा करना भी एक झगड़ा करने का काम हो गया, तो झगड़ालू ये क्या हो गया, फाइल वाला यहाँ पे मीनिंग दे रहा है, झगड़ालू जो झगड़ा करता है उसको क्या बोलेंगे, झगड़ालू बोलेंगे, ये वाला आपका फाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल आपके पास, बनावट के एतबार से उसकी यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो बनावट के एतबार से इसमें की टोटल 3 किस्में होती हैं, ऑप्शन सी, यानी जामिद, मजदर, मुश्तक, ये तीनों किस्म आपका बनावट के एतबार से इसमें की किस्म है, जामिद, मजदर और मुश्तक, ये बनावट के एतबार से, बनावट के लिहाज से 3 किस्म होती है इसमें की, और माना के एतबार से 2 किस्में, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। अगला सवाल, 46 नंबर पे, अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है, फेल, फाइल, मफूल, इनमें से कोई नहीं, तो अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत जो है ना, खत आपका मफूल होगा, काम पर रहा है खत पर, और काम करने वाला है अहमद, अहमद फाइल है, और लिखा ये आपका मस्तर हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग फेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 47 नंबर सवाल आपके पास, ज़ैल में इसमें मारफा कौन है, पटना, बिल्ली, खलीलुल्ला, इनमें सभी, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, इनमें सभी, पटना भी ये एक खास जगह है, बिल्ली भी एक खास जानवर हो गया, जानवर में से एक जानवर है बिल्ली, खलीलुल्ला ये भी, खलीलुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, ये भी आपका क्या हो गया, इसमें मारफा में गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल के तरफ आपके पास, 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ज़ैल में मुश्तक है, खेल, खिलाड़ी, खेलना, इनमें सभी, सॉरी इनमें कोई नहीं, तो मुश्तक किसको कहते हैं, असल में हम लोग जो पढ़े बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में, जामिद, मजदर और मुश्तक, मजदर किसको कहते हैं, जो आना, खाना, जाना, बैठना, उठना, पढ़ना, लिखना हो गया, मजदर से ही मुश्तक बनाया जाता है, जैसे आना हो गया, आना से आने वाला, खाना हो गया, खाना से खाने वाला, पढ़ना हो गया, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना हो गया मजदर, लिखना से मजदर से लिखने वाला, कहने का मतलब यह हुआ मुश्तक जो बनाने का तरीका है वो मजदर से बनाने का तरीका है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, खेलना से हम लोग बोलेंगे
खेल भी बोल सकते हैं, खेल भी लफ्ज बना सकते हैं, खिलाड़ी भी लफ्ज बना सकते हैं और खेलना भी बना सकते हैं खेलना से। ये इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है लेकिन इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं है तो हम लोग अगर परफेक्ट आंसर में मारना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी में भी मार सकते हैं। 48 नंबर सवाल का जो है ना हम लोग किसमें ऑप्शन नंबर बी में मार सकते हैं। एक बार आप लोगों का हम देख लेते हैं कमेंट क्या कर रहे हैं 48 का। तो जैल में जो है ना 48 का आप लोग सबको एक बार बता के देखिए क्या बता रहे हैं 48 का ऑप्शन नंबर। कुछ लोग ए बता रहे हैं। देखिएगा जैल में मुश्तक लफ्ज खिलाड़ी को अगर हम लोग मारते हैं ऑप्शन नंबर बी पे ज्यादा परफेक्ट होता है आपका। यहाँ से खिलाड़ी मारिए परफेक्ट होगा ठीक है। बाकी खेल भी है इनमें, खेलना इनमें सभी यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे अच्छा इनमें कोई नहीं दिया है, गलत दिया है, इनमें सभी होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि तीनों जो है ना हम लोग मजदर से ही बना सकते हैं तीनों को ठीक है। और मुश्तक का बनाने का तरीका क्या है, मजदर से ही बनाने का तरीका है। 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। आलम की कितनी किस्में हैं, 2, 5, 7 और 10। तो आलम की टोटल 5 किस्म होती हैं। आलम की 5 किस्म कौन कौन सा आपका क्या हो गया, उर्फ हो गया, खिताब हो गया, लकब हो गया, तखल्लुस हो गया, ये सब के सब आलम की किस्म होती हैं। और ये 5 किस्म आलम की है ठीक है। मेहनत से अगर चलो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब के सब 5 किस्म आलम की होती हैं। आलम की 5 किस्म कौन कौन सा, खिताब, लकब, उर्फ, तखल्लुस, कुन्नियत, ये 5 किस्म आलम की हैं। अगला सवाल 50 नंबर पे, जैल में कुन्नियत की मिसाल है। कुन्नियत किसको कहते हैं, वैसे नाम कुन्नियत वाला जिसमें रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, यानी रिलेटिव के ताल्लुक से पुकारा जाए। जैसे अहमद की माँ, अहमद की वजह से उसकी माँ को पुकार रहे हैं, शंकर का बाप ठीक है, कृष्णा की माँ, इस तरह से हम लोग पुकार रहे हैं ना। जैसे हम लोग उम्मे सकीना, बुलबुल सॉरी अबू बकर ठीक है। तो हम लोग जितना भी ये सब नाम है ये रिश्ता के रिलेटेड, रिश्ता से ताल्लुक करके पुकार रहे हैं। तो ये देखिए अबू बकर हो गया, बिंत सैनब, बिंत का मतलब बेटी होता है, जैनब का मतलब होता है जैनब ठीक है, नाम है किसी का बिंत जैनब यानी जैनब की लड़की, उम्मे कुलसुम, ये भी रिश्ता के ताल्लुक से हैं। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये सब जो है ना किसकी किस्म है, आलम की किस्म में से एक किस्म है कुन्नियत। अगला सवाल 51 नंबर पे, डॉट 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 छोटाई का माना देता है। खाली जगह को पुर कीजिए, तो इसमें मुसग्गर में जो है ना क्या देता है, छोटाई का मीनिंग देता है, छोटाई का माना देता है, ऑप्शन नंबर सी वाले जितने बच्चे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, 52 नंबर सवाल आपके पास आता है। अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में मुजाफ अलह है, मुजाफ होता है एक, एक होता है आपका मुजाफ अलह। मुजाफ अलह किसको कहते हैं, मुजाफ किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मुजाफ अरबी हो या फिर फारसी हो सबसे पहले आता है। जैसे बिरादर महमूद ठीक है, बिरादर महमूद यानी महमूद का भाई, बिरादर महमूद, महमूद का भाई, हम लोग उर्दू में महमूद बोलते हैं फिर भाई बोलते हैं ठीक है। तो पता ये चला मुजाफ अलह उर्दू में बाद में आता है और मुजाफ क्या आता है, सॉरी सॉरी मुजाफ अलह उर्दू में पहले आता है और मुजाफ बाद में आता है ठीक है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है अहमद का भाई, ये जो है ना अलामत इजाफत है, इसके बाद जो आएगा वो आपका मुजाफ कहलाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है मुजाफ अलह ठीक है, तो ये मुजाफ अलह अहमद हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते बेरादरे अहमद ठीक है, हम लोग लिखते बेरादरे अहमद, अहमद ठीक है। तो अहमद जो है ना हम लोग पहले बिरादर लिख रहे हैं, यानी पहले अरबी हो गया या फिर फारसी हो गया, पहले मुजाफ आता है। तो बिरादर क्या है, मुजाफ है, और अहमद क्या है, ये मुजाफ अलग है। मुजाफ अलग को हम लोग बाद में लिखे हैं, मुजाफ को पहले लिखे हैं, लेकिन उर्दू में जैसे ही करेंगे हम इसको मीनिंग को तब्दीली करेंगे, बदलेंगे, तो पहले यहाँ पे माना क्या हो जाएगा, बिरादरे, बिरादरे अहमद यानी अहमद का भाई हो गया। क्या हो गया, अहमद का भाई, क्या हो गया भाई, अहमद का भाई। तो अहमद यहाँ पे आपका क्या हो गया, मुजाफ अल है, और भाई ये आपका मुजाफ हो गया ठीक है। क्या हो गया भाई, मुजाफ हो गया ठीक है ना। चलिए सब लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो पता ये चला आपको उर्दू में पहले मुजाफ अल आता है, यानी अलामत इजाफत से पहले मुजाफ अल आता है और अलामत इजाफत के बाद मुजाफ आता है। जैसे अहमद हो गया मुजाफ अल है, अलामत इजाफत है का,
भाई हो गया मुजाफ, ठीक है। सब लोगों को क्लियर समझ में आ गया, मुजाफ अलह पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आई है, दुश्वारी हो रही है समझने में, जरूर बताएंगे आप लोग, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक दफा आप लोग जरूर बताइएगा ताकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 52 है, 52 तो हो गया ना, 53 नंबर सवाल, गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है, कुन्नियत हो गया, खिताब, उर्फ या फिर तखल्लुस। तो गालिब जो है ना ज़ैल में जो मिसाल है ये किसकी मिसाल है, गालिब तखल्लुस किया करते थे शेर व शायरी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलो बहुत अच्छा, चलो बिल्कुल परफेक्ट है सब लोगों का। अगला सवाल आता है आपके पास 53 नंबर पे, गालिब हो गया 54 नंबर सवाल आपके पास, ज़ैल में मुहम्मल लफ्ज है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस वर्ड को मुहम्मल कहते हैं, जैसे चाय ये मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल लफ्ज है, चाय का ऑपोजिट होता है वाई, क्या होता है चाय का ऑपोजिट वाई, ये वाई लफ्ज जो है ना मुहम्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके पास 55 नंबर पे, टप टप ज़ैल में कौन सा लफ्ज है, इसमें मौसूल, इसमें मारफा, इसमें सूत और इसमें आला। तो इसमें सूत वैसे लफ्ज को कहते हैं जिस जो है ना अलग तरह का मान आते, जैसे टप टप, काँव काँव, म्याओ म्याओ, ठीक है, ये सब जो है ना अजीब टाइप का माना, यानी अलग किस्म की मीनिंग दे रहा है, अलग तरह के माना दे रहा है, ऐसे वर्ड को, ऐसे लफ्ज को हम लोग इसमें सूत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 55 नंबर कंप्लीट, और आता है आपके पास 56 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा, ज़ैल में फेल माजी की मिसाल है, फेल माजी किसको कहते हैं, गुजरा हुआ जमाना को फेल माजी कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। देखिएगा, वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ज़ैल में फेल माजी की मिसाल है वह आया, ये जो है ना आपका गुजरा हुआ जमाना है, वह आया, वह गया, वह लिया, वह दिया, वह खाया, ये सब फेले माजी के अंदर में, फेले माजी एक मुतलक होता है, उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 57 नंबर सवाल, जमाना के एतबार से फेल की कितने किस्में होती हैं, जमाना बोल रहे हैं तो हिंदी में इसी को काल कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग टेंस कह सकते हैं। तो जमाना की तीन किस्में होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी यहाँ पे जमाना को अगर उर्दू की बात करें तो तीन किस्में होती हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो जमाना की टोटल तीन किस्में होती हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगला सवाल 58 नंबर पे, चांद का मुतरादिफ लफ्ज है, चांद बोले या फिर हम लोग महताब बोले, ठीक है, महताब या चांद बिल्कुल दोनों वर्ड एक सेम टाइप का होता है, महताब का मतलब भी चांद होता है, चांद का मतलब भी महताब होता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल आपके पास 59 नंबर पे, ख्वाहिश का मुतरादिफ लफ्ज है, ख्वाहिश का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, आरजू, चाहत, तमन्ना, इनमें सभी हो जाएगा, ये सब के सब इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, पर्यायवाची वर्ड हो जाएगा। अगला सवाल 60 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, इंसान का मुतरादिफ लफ्ज है, इंसान का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा, देखिएगा, बशर, मर्द, आदम या फिर बंदा। तो ये बशर, बशर का मतलब इंसान होता है, इंसान का मतलब बशर होता है, ये दोनों वर्ड सेम है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, बशर हो जाएगा। अगला सवाल आता है 61 नंबर, 61 नंबर क्वेश्चन, सुबह का जिद है, सुबह, दिन, शाम, रात या फिर रोज, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग सुने होंगे, शाम जो है ना ये आपका उसका ऑपोजिट यानी उल्टा वर्ड हो जाएगा, शाम, सुबह का उल्टा शाम हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर सवाल आपके पास, नफा का जिद है, नफा हुआ, फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, उसका उल्टा होता है नुकसान, ठीक है, हानि होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल 63 नंबर होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो स्वाद से सदा का मतलब होता है आवाज, और सीन से सदा का मतलब होता है हमेशा, यहाँ पे स्वाद से पूछ रखा है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा यानी आवाज हो जाएगा। 64 नंबर सवाल आपके पास, लफ्जों के मानेदार मजमुआ को कहते हैं, लफ्जों के मानेदार मजमुआ को हम लोग जुमला कहते हैं, क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, लफ्जों के मानेदार
मजमुआ को हम लोग सेंटेंस वाक्य या फिर जुमला कहते हैं। अगला सवाल आता है 65 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा सब लोग। आदमी के मुंह से जो सादा आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? आदमी के मुंह से जो सादा सिंपल सा आवाज निकलती है उसको हम लोग हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ। और इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको हम लोग लफ्ज कहते हैं। फर्क ये पता चला कि जब सादा हो जाए हर्फ में मारना, और जब इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं, लेकिन सादा आवाज निकले उसको हर्फ कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आता है आपके पास 66 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। मौजू का दूसरा नाम है, मौजू का दूसरा नाम आपका मोहम्मल हो जाएगा। मौजू का दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई? मोहम्मल हो जाएगा। सॉरी यार, क्या बता रहे हैं, लफ्ज मौजू को इल्मे सरफ में कलमा कहते हैं। मौजू का दूसरा नाम होता है कलमा, या फिर बामाना लफ्ज को ही हम लोग कलमा कहते हैं। तो मौजू का दूसरा नाम जो होता है ना, वो आपका कलमा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास 67 नंबर पे, अहमद लाया गया। इस जुमला में लाया गया किस फेल की मिसाल है? अहमद लाया गया, पता ये चल रहा है अहमद किसके द्वारा लाया गया, इसका फाइल पता नहीं चल रहा है। महमूद ने अहमद को लाया, पता चल रहा है कि अहमद को लाने का काम महमूद कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछ बता रखा है अहमद लाया गया। जब भी फाइल मालूम नहीं हो, करने वाला मालूम नहीं हो, कहने का मतलब सब्जेक्ट करता पता ना हो, उस हाल में वो जो है ना सेंटेंस फेले मजहूल में होता है। जब पता होगा फेले मारू, और जब पता नहीं होगा वो आपका फेले मजहूल में होता है। ठीक है, देखिएगा फेले लाजिम, फेले मारू, फेले हाल, और फेले मजहूल, फेले मुसबत। तो फेले मजहूल ऑप्शन नंबर सी वाले जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सब लोग काफ़ी खामोशी से और अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट बनाए रखे हैं आप लोग। अगला सवाल आता है आपके पास 68 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों को जो क्लास मिल रही है, शायद के आप लोगों को इस तरह की क्लास मिले फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, तो आप लोगों को फायदा है देखने का, बिल्कुल बिला झिझक देखिए। देखिए फेले अमर की मिसाल है, यहाँ आओ वहाँ न जाओ, वह आया वह लाया गया। फेले अमर किसको कहते हैं हम लोग? फेले अमर को जो है ना हम लोग जहाँ पे पॉजिटिव हुक्म जाहिर होता है उसको फेले अमर कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी मेरे लिए लाओ, हुक्म जाहिर कर रहे हैं तुम वहाँ जाओ, हुक्म जाहिर कर रहे हैं। जब बोलेंगे तुम वहाँ मत जाओ, ये निगेटिव में फेले नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अमर में पॉजिटिव में हुक्म जाहिर होता है। यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव वाला कहाँ पे है, वहाँ न जाओ, ये निगेटिव है फेले नहीं, वह आया ये तो है ही नहीं, यहाँ पे हुक्म जाहिर नहीं हो रहा, वह लाया गया ये फेले मजहूल है, लेकिन यहाँ आओ हुक्म जाहिर हो रहा है, फेले अमर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए बहुत बेहतरीन, आप लोग भी आंसर बताइए ताकि पता चल सके कि हाँ आप लोगों को जो है ना जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल बिला झिझक समझ में आ रही है, लेकिन आप लोग तो कुछ बताते नहीं है, कैसे पता चलेगा हमको कि आप लोग सही है कि नहीं है। चलिए 69 नंबर सवाल आपके पास है 69 नंबर सवाल है, क्या है? ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। इसमें ज़र्फ़ वैसे इसमें को कहते हैं जहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको जो है ना जगह का पता चले या फिर वक्त का पता चले। देखिए कुतुब खाना, चाकूरात, यानी में से कोई नहीं। तो कुतुब खाना जो है ना ये एक जगह है, क्या है? जगह है। यहाँ पे जगह का पता चल रहा है, जगह की मालूमात आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है, ये आपका कुतुब खाना, ये क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर सवाल देखते हैं, खलीलुल्लाह ज़ैल में से क्या है? खलीलुल्लाह का मतलब हो गया अल्लाह का बंदा, क्या हो गया? खलीलुल्लाह का मतलब हो गया आपका अल्लाह का क्या हो गया? बंदा, क्या हो गया? बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे अलामत इजाफत का के की आप लोगों को बताया हूं मैं, का होता है, क्या होता है? का, और के हो गया, की हो गया, ठीक है, की हो गया, या फिर के हो गया, ये सब अलामत इजाफत है। इसके बाद जो भी आता है वो आपका क्या होता है, उसके बाद में अलामत इजाफत के बाद जो आता है वो आपका मुजाफ होता है, और उससे पहले जो आता है वो मुजाफ अलह होता है। तो मुजाफ और मुजाफ अलह ही होता है ये दोनों चीज़ों में, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर मुजाफ अलह होगा तो मुजाफ अलह तो एक साथ में होगा नहीं, चाहे मुजाफ होगा या फिर मुजाफ अलह होगा। तो खलीलुल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह का बंदा, तो ये आपका सेंटेंस जो एड होगा मुजाफ और मुजाफ अलह वाला सेंटेंस में एड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मुजाफ अलह तो है नहीं, हम लोग मारेंगे किसमें? मुजाफ मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कितने बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आया?
जिनको समझ में नहीं आया नो नो लिखे, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा या अल्लाह में या क्या है, हम लोग अल्लाह ताला को क्या कर रहे हैं, हम लोग अल्लाह ताला को जो है ना हुरूफे या से पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला को हुरूफे या से पुकार रहे हैं, या अल्लाह। तो जिस हर्फ के जरिए में किसी को भी पुकारे हैं अल्लाह के सिवा, या किसी को भी पुकारे हैं, जैसे हम लोग किसी लड़का को पुकारेंगे ए लड़के, इस तरह से जिस हर्फ के जरिए में हम लोग किसी भी चीज को पुकारेंगे वो वाला हर्फ हुरूफ निदा होता है। क्या होता है? हुरूफ निदा होता है। हुरूफ निदा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास, ध्यान से देखिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फन से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं? इल्मे सर्फ, इल्मे नौ, इल्मे बलागत, इल्मे उरूज। कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फन से बहस किया जाए उसको कहते हैं इल्मे उरूज। ये पांचों हिस्सों में से एक हिस्सा ये भी है जिसका नाम है इल्मे उरूज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखिएगा, खून में वाव कैसी है? खून में जो है ना ये वाव कैसी है? वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे फटाफट से एक बार बताने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 73 का क्या बता रहे हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर ए वाव मारूफ। वाव मारूफ किसको कहेंगे? जहां पे वाव जो है ना पढ़ी जाए, ठीक है, वाव मारूफ जहां पे वाव खींचकर पढ़ी जाए। खून जो है ना यहाँ पे इस तरह करके हम लोग वाव वाव को पढ़ रहे हैं, खून वाव मारूफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ वाव के बारे में अच्छे से। अगला सवाल 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अकलमंद कैसा लफ्ज है? लफ्ज मुफरत, लफ्ज मुरक्कब, लफ्ज मुहम्मल, इनमें से कोई नहीं। तो अकलमंद क्या है आपका? अकलमंद जो है ना लफ्ज मुरक्कब हो जाएगा, क्योंकि एक लफ्ज है आपका यहाँ पे अकल, एक लफ्ज आपका है मंद, दो लफ्ज मिलकर के एक लफ्ज बना है अकलमंद। अकल रखने वाला, समझ रखने वाला को कहते हैं हम लोग अकलमंद। ठीक है, चलिए मुरक्कब लफ्ज ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 नंबर सवाल आपके पास आता है, वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? अंजुमन और यानी सरकार के, हुकूमत यानी सरकार की तरफ से दिया जाए, या फिर किसी अंजुमन, या फिर कोई मतलब होता नहीं है कि कुछ प्रोग्राम वगैरह बहुत बड़ा उसके तरफ से दिया जाए, वैसे नाम को हम लोग कहते हैं खिताब। क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और लकब किसको कहते हैं? जो अवाम के जानिब से दिया जाए अच्छे काम के वजह से उसको लकब कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, जिस लफ्ज से किसी काम के करने के औजार का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इसमें आला। क्या कहते हैं? इसमें आला, जैसे चाकू, छुड़ी, ब्लेड, कैंची वगैरह, ये सब इसमें आला के अंतर्गत आता है। 77 नंबर सवाल आपके पास, हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है? सिफत ज़ाती, सिफत आददी, सिफत मिकदारी, सिफत निस्बती। हिंदुस्तान का लगाव जो है ना हिंदुस्तानी से है, सॉरी आपका लगाव हिंदुस्तान से है इसलिए आप हिंदुस्तानी हो गए। पाकिस्तान के लोगों का लगाव पाकिस्तान से है, उन लोग पाकिस्तानी हो गए। बिहार के लोगों का लगाव बिहार से है इसलिए उन लोग बिहारी हो गए। ठीक है, तो हम लोगों का कहने का मतलब यह हुआ कि सिफत निस्बत यानी निस्बत का मतलब ही होता है लगाव। ठीक है, तो जिसका लगाव जिनसे होता है वो आपका निस्बतन हो जाता है या फिर निस्बती हो जाता है। तो सिफत निस्बती जो है ना हिंदुस्तानी, ये आपका सिफत निस्बती हो गया, क्योंकि इसका लगाव हिंदुस्तान से है इसलिए आपका निस्बतन हो गया, निस्बती यानी सिफत निस्बती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रही है ना बातें? चलिए 78 नंबर सवाल आपके पास, तेज हो गया, लंबा हो गया, ईमानदार वगैरह सिफत की किस किस्म की मिसाल है? आप लोग किसी भी जानदार के अंदर में पाएंगे काला, गोरा, तेज, ईमानदार, लंबा, नाटा वगैरह, ये सब के सब किसी भी जानदार के अंदर अगर आप लोग पाते हैं ये सब को भी खामी को, इसको हम लोग सिफत ज़ाती कहते हैं, क्योंकि किसी भी जात के अंदर पाते हैं, किसी भी मखलूकात के अंदर पाते हैं, किसी भी जात के अंदर में आप लोग ये सब सिफत पा रहे हैं, ये सब आपका सिफत ज़ाती के अंतर्गत आता है। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आतदी, सिफत मिकदारी। सिफत मिकदारी में आपका नाप तौल का पता चलता है, जैसे 2 सेर घी, 4 सेर चीनी वगैरह वगैरह। अब आपका सिफत आददी में गिनती का पता चलता है, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 100, 100, 200। ठीक है, अब सिफत निस्बती में आपका बिहारी, बंगाली, पाकिस्तानी, ठीक है, ये सब आपका हिंदुस्तानी वगैरह, ये सिफत निस्बती में। सिफत ज़ाती में काला, गोरा, पतला, लंबा, नाटा, मोटा, तेज वगैरह, ये आपका सिफत ज़ाती में आ जाएगा।
अगला सवाल आपके पास 79 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में साबिका वाला लफ्ज कौन है? साबिका वैसे लफ्ज को कहते हैं जहां पर शुरू में आकर के मीनिंग को तब्दीली कर देता है, बदल देता है, वैसे लफ्जों को हम लोग साबिका वाला लफ्ज कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है लाजवाब, लाश, लाना, लायक। तो आपका सारा का सारा यहाँ पे नजर आ रहा है कि लाश जो है ना मुरक्कब लफ्ज होना जरूरी होता है साबिका और लायका के लिए। दो लफ्ज होगा तभी वहां पे पता चलेगा कौन सा लफ्ज साबिका है कौन सा लफ्ज लायका है। यहाँ पे सिंगुलर लफ्ज है यानी मुफरद लफ्ज है, एक लफ्ज है, लाना भी एक लफ्ज है, लायक भी एक लफ्ज है, पता ये चला एक लफ्ज जवाब है एक लफ्ज ला है, ठीक है, दोनों लफ्ज मिलकर के एक मीनिंग दे रहा लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं, कोई माना नहीं, ठीक है, यानी लाजवाब कोई जवाब नहीं है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग को तब्दीली कर रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 80 की तरफ, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, खबरदार हो जाओ ये किस तरह के जुमले जुमले के हाँ खबरदार हो जाओ ये किस तरह के जुमले जुमले की मिसाल है? तमन्ना हो गया, अर्ज हो गया, तंबिया हो गया, फिर दुआया हो गया। तो तंबिया यहाँ पे जो है ना सख्ती कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, यानी खबरदार हो जाओ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 81 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, तुम लोग जमीर की कौन सी किस्म है? तुम लोग जमीर की कौन सी किस्म है? जमीरे इशारी, जमीरे शख्सी, जमीरे मौसूली, जमीरे तनकीरी। तो जमीरे तुम लोग यहाँ पे पूछ रखा है, तो तुम लोग यहाँ पे जमीरे शख्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम लोग जमीरे शख्सी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम लोग जमीरे शख्सी की मिसाल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके पास 82 नंबर क्वेश्चन, अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमले में तेज क्या है? इसम, जमीर, फेल, फेल मुतालिक। आप लोग खोजेंगे कि यहाँ पे इसम और सिफत होगा, ठीक है, इसम सिफत वाला कोई भी यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अहमद तेज दौड़ता है और यहाँ पे तेज कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो देखिएगा अहमद तेज दौड़ता है, इसमें तो होगा नहीं, जमीर तो होगा नहीं, फेल तो होगा नहीं, और ये होगा आपका फेले मुतालिक। आप लोग बोलेंगे फेले मुतालिक कैसे होगा, तेज जो है फेले मुतालिक कैसे होगा? तो जहां भी फेल का कैफियत हालत को बताएं, जो भी वर्ड वहां पे वो वर्ड इसमें कैफियत हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें कैफियत हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आज मैं जाऊं, इस तरह से अगर हम लोग बोलते हैं तो जाना का जो है ना आज से रिलेटेड हो जा रहा है, अब मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं जा रहा हूं, एक जा रहा हूं फेल है, फेल के शुरू में अब लगा है, यानी पता चल रहा है, जाने का कैफियत पता चल रहा है कि अब मैं जा रहा हूं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अहमद तेज दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ना का जो है ना, दौड़ना का कैफियत जाहिर कर रहा है क्या, तेज जाहिर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका कैफियत बता रहा है कि कैसा दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है, तो इसमें कैफियत में आपको पता चल चुका है कि जो वर्ड सॉरी वैसे फेले मुतालिक वैसे लफ्ज को कहते हैं, वैसे सेंटेंस को कहते हैं, उसको कहते हैं फेले मुतालिक, जहां पे फेल की कैफियत को बताएं, हालात को बताएं, किस हालत में है, किस हालत में काम हो रही है, वहां पे वो आपका फेले मुतालिक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं अहमद तेज दौड़ता है, दौड़ना के बारे में पता चल रहा है कि ये तेज दौड़ रहा है, इसकी कैफियत को मालूम चल रहा है, पता चल रहा है कि अहमद जो है ना कैसे दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है, ये आपका फेले मुतालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया, इतना समझाने के बावजूद भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है, जल्दी जल्दी बताइएगा एक बार, ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं भाई अगला सवाल 83 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, ज़ैल में इसमें ज़ात चुनिए, रंगीला, सुनहरा, चकना और सर्दी, ठीक है, तो ये जो है ना इसमें ज़ात, ये आपका चकना 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 सॉरी चकना नहीं है, यहाँ पे चिकना है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ज़ैल में इसमें ज़ात चुनिए, तो इसमें ज़ात जो है ना चिकना हो जाएगा, ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। अगला सवाल आपके पास है 84 नंबर पे, ज़ैल में इसमें सिफत चुनिए, इसमें सिफत हम लोग यहाँ पे विशेषण देखेंगे, विशेषता देखेंगे, ठीक है। अब आइए, रंगीला हो गया, सुनहरा हो गया, जहरीला, इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, इसमें सिफत। 85 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ज़ैल में इसमें आला चुनिए, दीवार, दरख्त, चाकू, इसमें आसमान, ये आपका चाकू जो है ना इसमें आला हो जाएगा, हथियार का इल्म पता चल रहा है, ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आता है 86 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सैलाब किन दो लफ्जों से मिलकर बना है?
तो सैल प्लस आब, आब का मतलब ही होता है पानी, ठीक है, आब का मतलब ही होता है पानी, और सैलाब में क्या होता है, आब होता है पानी होता है, सैल प्लस आब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शर्माना से इसमें सिफत होगा, शर्मिला, शर्मसार, शर्म इनमें से कोई नहीं, तो शर्माना से इसमें सिफत की अगर बात करें तो ये जो है ना शर्माना से शर्मिला हो जाएगा ना, शर्मिला, शर्मसार, शर्म, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, शर्माना से इसमें सिफत शर्मिला। 88 नंबर सवाल, हिद्र का मानी है पत्थर, जुदाई, एक साल, महीने का नाम। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग पढ़े होंगे कि हिजरत एक चैप्टर है, हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह का सफर करना, उसी का मतलब होता है हिजरत, ठीक है, हिजरत से ही हिजरा आया है, हिजरा का मतलब होता है जुदाई, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, जुदाई ही होगा ना, ठीक है। 89 नंबर सवाल आपके पास, छन छन जैल में से किसकी मिसाल है, मैं आपको बताया किसी अलग टाइप की आवाज आए, चू चू, छन छन, म्याओ म्याओ, काओ काओ, भू भू, ये सब के सब आता है आपका इसमें सूत में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास 90 नंबर पे, वैसे अल्फाज, लफ्ज की जमा है अल्फाज, ठीक है, वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो, यानी यक जैसा हो, सुनने के सुनने का एक ही तरह का लगे लेकिन माना का फर्क पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग हमसूत अल्फाज कहते हैं, ठीक है, हमसूत अल्फाज कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक लफ्ज शेर लिखते हैं, ठीक है, एक लफ्ज हम लोग लिखे यहाँ पे शेर, और एक लफ्ज फिर से लिखते हैं हम लोग शेर, ठीक है, दोनों जो है ना अलग अलग लिखा गया है, सॉरी, हाँ, दोनों जो है ना अलग अलग लिखा गया है, माना भी दोनों का अलग अलग है, लेकिन बोलते हैं शेर शेर, दोनों का मानी एक जैसा लग रहा है, मतलब सुनने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए हमसूत लफ्ज हो जाएगा, माना का फर्क है, इस शेर का मतलब होता है जंगली शेर, इस शेर का मतलब होता है ये आपका शेर उशायरी करने वाला शेर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शर्म का मुतरादिफ लफ्ज है शर्मिला, शर्म, शर्माना, शर्म, हया, तो शर्मो हया बोलते हैं हम लोग, मुतरादिक में इस्तेमाल करते हैं, हया बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आपके पास 92 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, खुशी का मुतरादिक लफ्ज है मुसर्रत और निशात, फरहत, इनमें सभी हो जाएगा, खुशी का मुतरादिक लफ्ज यानी पर्यायवाची लफ्ज आपका इनमें सभी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 93 नंबर पे, तहकीक की जमा है हकाइक, हकीकत, तहकीकात, तहकुक, तो तहकीक का मतलब होता है रिसर्च करना, किसी का खोज करना, तहकीक से ही आपका आया है तहकीकात, यानी रिसर्च करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 94 नंबर क्वेश्चन, मुल्क की जमा होगी, मुल्क की जमा होती है मुमालिक, सब लोग लगभग जानते होंगे, आगाज का जिद है, आगाज का उल्टा क्या हो जाएगा, अंजाम हो जाएगा, अंजाम का है ऑप्शन नंबर ए में अंजाम, ठीक है, आगाज का ऑपोजिट वर्ड होता है अंजाम। 96 नंबर क्वेश्चन, खुश साबिका से लफ्ज होगा खुशबू, खुशदिल, खुशहाल, इनमें सभी, सब के सब जो है ना साबिका वाला वर्ड है, और खुश साबिका से लफ्ज आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनमें सभी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सहर का मानी है सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो सहर का मानी होता है सहर, ठीक है, सहर का मानी आप लोग बताइए एक बार क्या होगा सही आंसर, चलिए देखते हैं आप लोगों का भी जायजा लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग क्या दे रहे हैं आंसर, बहुत बेहतरीन, लगभग आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सहर का मानी होता है सुबह, ऑप्शन नंबर ए वाले कितने बच्चे हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। 98 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फर्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं, एराब यानी जबर जेर पेश का फर्क पाया जाए उसको हम लोग कहते हैं हमसूत अल्फाज, क्या कहते हैं, हमसूत अल्फाज कहते हैं, या फिर एराब का जबर जेर पेश, यानी हम जिनस अल्फाज भी बोल सकते हैं हम लोग वैसे इसको, ठीक है, हम जिनस अल्फाज बोलते हैं तो ज्यादा हम जिनस अल्फाज, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, और हम लोगों का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। 99 नंबर सवाल आपके पास, देखिएगा, अब तब होना मुहावरे का मतलब होता है, मरने के करीब होना इसका मतलब होता है। 100 नंबर सवाल है, दाल में काला होना मुहावरे का मतलब होता है, दाल में काला होना मुहावरे का मतलब होता है, शक व शुबा होना, शक व शुबा होना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 101 नंबर सवाल आता है, जैल में वाव मादुला की मिसाल है, वाव मादुला जो है ना ये आपका ख्वाहिश हो जाएगा, वाव मादुला जो है, क्योंकि वाव जो है यहाँ पे पढ़ी नहीं जा रही है, लिखी जा रही है, अगर लिखते हैं हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ख्वाहिश, ठीक है, खा मतलब इस तरह से हम लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इस तरह से करते हैं ख्वाहिश, लेकिन लिखा जाता है इस तरह से ख्वाहिश, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके पास 102 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, तस्वीर की जमा होती है, तस्वीर की जमा तस्वीर, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 103 नंबर सवाल,
जाब्ता की जमा क्या होगी, जाब्ता की जमा होती है जवाबित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके पास 104 नंबर पे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है, आग का मोल होना मुहावरे का मानी है, आग का मोल होना मुहावरे का मतलब होता है महंगा होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगला सवाल आपके पास 105 नंबर पे, आंख का तारा होना मुहावरे का मानी होता है, आंख का तारा होना मुहावरे का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सब लोग। दांत खट्टे करना मुहावरे का मानी होता है, दांत खट्टे करना मुहावरे का मतलब होता है हरा देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 107 नंबर पे, मुश्क का मानी होता है, तो मुश्क का मतलब होता है बर्तन, एक खुशबूदार चीज, पानी भरने का थैला, तो मुश्क का मतलब होता है एक खुशबूदार चीज। यहीं पे अगर जेर से रहता मिश्क तो मिश्क का मतलब होता है पानी भरने का, सॉरी जबर से अगर रहता मश्क, मश्क का मतलब होता है पानी भरने का थैला, लेकिन मुश्क का मतलब होता है एक खुशबूदार चीज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है आपके पास 108 नंबर पे, कफ का मानी होता है, कफ का मानी बलगम, हथेली, फीन, ये सब के सब होते हैं, इनमें सभी परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगला सवाल 109 नंबर पे, जहर में साबिका वाला लफ्ज कौन है, साबिका, बाहुनर, बाकायदा, बातमीज, इनमें सभी यहाँ पे सब के सब, इनमें सभी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास 110 नंबर पे, नूर का जिद होगा, नूर का जिद जो है ना आपका, नूर का जिद उल्टा ऑपोजिट जुलमत, जुलमत का मतलब अंधेरा, नूर का मतलब रोशनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। 112 नंबर सवाल आपके पास है, जन्म जमीर तनकीरी की मिसाल है, जमीर तनकीरी किसको कहते हैं, इस चीज को समझना काफी जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। जमीर तनकीरी उस जमीर को कहते हैं जहां पे जो है ना जिस तरह का यानी करने वाला पता यानी इसमें जो है ना पता नहीं होगा वहां पे क्या कहेंगे हम लोग, जमीर तनकीरी कहते हैं उस हाल में। जैसे कोई आया होगा यहाँ पे जो है ना, कौन आया है उसके बारे में पता नहीं, कोई आया होगा, मैं कुछ करता, ठीक है, तो कुछ करता है क्या करता वो पता नहीं है, ठीक है, आज मैं कुछ करता, ठीक है, तो क्या करता वो पता नहीं चल रहा है, यानी इसमें का पता नहीं चल रहा है जहां पे, वो आपका क्या होगा, जमीर तनकीरी होगा। अब यहाँ पे अगर बोलेंगे कौन आ रहा है तो ये आपका जमीर इस्तफहामिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन आ रहा है, तो यहाँ पे जब भी आपको इसमें का पता नहीं चले उस हाल में जमीर तनकीरी होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कोई, ये आपका जमीर तनकीरी हो जाएगा, तुम, कौन, हम लोग, ये जो है ना ये अलग अलग है, लेकिन हम लोग को जमीर तनकीरी पहचानना है, ये आपका जमीर तनकीरी है, कौन, ये आपका जमीर इस्तफाम है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 113 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। तारीफ का जिद है, तारीफ का जिद यानी ऑपोजिट उल्टा होता है तौहीन का मतलब खिलाफ, तारीफ का मतलब तारीफ करना, बड़ाई करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, लिखना से हासिल मजदर होगा, लिखना से हासिल मजदर लिखावट होता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर सवाल, खुदा का बंदा, इसमें मुजाफ अलह चुनिए। हम लोग आपको बताएं अलामत इजाफत, अलामत इजाफत का हो गया, क्या हो गया, का हो गया, या फिर की हो गया, या फिर के हो गया, ये सब अलामत इजाफत हैं। अलामत इजाफत के बाद जो वर्ड आता है उर्दू में उसको हम लोग मुजाफ कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, मुजाफ कहते हैं, अलामत इजाफत से पहले जो वर्ड होता है उसको हम लोग मुजाफ अलह कहते हैं। इसमें मुजाफ अलह चुनिए तो खुदा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुजाफ अलह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर सवाल आपके पास, ईदगाह ज़ैल में क्या है, ईदगाह जो है ना इसमें ज़र्फ हो जाएगा जिससे किसी जगह का इल्म हो। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर सवाल, कलम तराश ज़ैल में से क्या है, कलम तराश यानी कलम को छीलने वाला, यहाँ पे हथियार का इल्म हो रहा है, इसमें इसमें ज़र्फ कहाँ से हो जाएगा, हथियार में जो है ना, इसमें आला यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर सवाल आपके पास, गली का मुतरादिफ लफ्ज है, गली कूचा बोलते हैं ना हम लोग, ऑप्शन नंबर सी यानी पर्यायवाची शब्द मुतरादिफ लफ्ज, ठीक है। 119 नंबर सवाल, लोहा का मुतरादिफ लफ्ज है, लोहा का मुतरादिफ आहन, हदीद, फौलाद, इनमें से सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 120 नंबर पे, चढ़ना से हासिल मजदर क्या होगा, चढ़ना से हासिल मजदर आपका चढ़ो चढ़ो चढ़ाई चढ़ाई, ठीक है। बताओ एक बार आप लोग 120 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर। चलिए 120 का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रखे हैं, चढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 181 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन, बेलना से इसमें आला होगा, बेलना से इसमें आला होता है बेलन, क्या होता है, बेलन, जिससे हम लोग रोटी बेलते हैं। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर सवाल आपके पास, करना से इसमें आला होगा, करना से इसमें आला करनी हो जाएगा। 123 नंबर सवाल, देहाती सिफत है, देहाती जो है ना सिफत है, सिफतें हम लोग नस्बती पढ़े अभी, ठीक है, जो इसका नस्बत जिससे रखता हो देहात का है, इसलिए देहाती बोल रहे हैं हम लोग। 124 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ज़ैल में इसमें इशारा चुनिए, ज़ैल में इसमें इशारा यह वह
वह सब, इनमें सभी, तो यह भी हो गया, इसमें सारा, वह भी, वह सब, इनमें सभी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, आखिरी क्वेश्चन 125 नंबर पे, अहमद बाजार गया, इस जुमला में फाइल है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट बताएंगे कि क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर। आप लोग चलो, बहुत अच्छा, आप लोग बात करने में लगे रहिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। अहमद बाजार गया, इस जुमला में फाइल है, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और यहाँ पे जो है ना, अहमद आपका क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, यानी काम करने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अहमद बाजार गया, इस सेंटेंस में आप लोगों को दिख रहा है कि अहमद जो है ना यहाँ पे काम कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। पता चला आपको कि अहमद बाजार गया, ये जो है ना फाइल है, सब्जेक्ट है, यानी कर्ता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 सवालात को इस क्लास में कवर करें। अगर आप लोग चाहते हैं सक्षमता के लिए पूरे कंप्लीट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करना, इसके लिए कुछ फी लगता है, आप लोग इस नंबर पर रब्ता करें 9508214760, इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग मुकम्मल नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड करके आप लोग अपनी तैयारी को और चार चांद लगा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बाकी आप लोग फीडबैक देके जाना, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आप लोग क्लास को लाइक करके अपने तमाम दोस्त अहबाब तक बताइए, इन्फॉर्मेशन कीजिए, आपके जितने भी क्लासमेट हैं, जो भी आपके साथी लोग हैं, सबको बताइए, इन्फॉर्मेशन कीजिए, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके और उन लोगों का भी एग्जाम में क्वालिफाइड हो सके, ठीक है। चलिए, आप लोग फीडबैक बता के जाएंगे कैसा लगा आप लोगों को आज की ये क्लास। मिलते हैं एक अगली क्लास में, अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।